वेलकम टू स्टूडेंट पांडा क्लासेस, माई सेल्फ अनुपमा। और आज हम लोग केमिकल इक्वेशन और रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे। तो जैसे कि हमने पढ़ा था पिछले क्लास में कि जितने भी हमारे केमिकल चेंजेस होते हैं, वो सभी केमिकल चेंजेस को हम क्या करते हैं, केमिकल इक्वेशन की वजह से उसको रिप्रेजेंट करते हैं। और हमने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था कि जो भी सारे हमारे केमिकल इक्वेशंस होते हैं उसको क्या करना पड़ता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जो हमने क्या पढ़ा था कि जो रिएक्टेंट के साइड जितने भी अमाउंट के सब्सटेंस प्रेजेंट होते हैं वो क्या होगा, आपके प्रोडक्ट के साइड भी सेम होगा, जो क्या बताता है आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जिसको हम बोले थे केमिकल बैलेंस इक्वेशन। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, ये जो बैलेंस इक्वेशन होता है, ऐसा तो नहीं हो सकता कि हर जगह पे जितने भी हम केमिकल इक्वेशन लिखेंगे वो सारे बैलेंस हो सकते हैं। तो कहीं कहीं पे हमारे से बहुत सारे केमिकल इक्वेशंस होते हैं जो आगे पढ़ेंगे या फिर चैप्टर्स में हम देखेंगे, जो क्या है, पहले से ही लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास फॉलो नहीं कर रहा है। दैट मींस पहले के टाइम पे वो क्या करता है कि जो उसके अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट होते हैं उसके अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट के साथ वहां पे मैच नहीं करता। अब लेते हैं एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, हम आने दुकान पे जाते हैं, तो दुकान पे जब मानो हमें 1 kg आटा की जरूरत होती है, फिर 1 kg चावल की जरूरत होती है, तो आपने क्या देखा कि जो दुकान वाला है वो क्या करेगा, पहले कुछ अमाउंट के सब्सटेंस, मानो कि उसको लगता है हाँ ये शायद 1 kg का हो जाएगा, वो समझ के जब वो पैन में डालता है, फिर क्या देखता है कि हाँ वो 1 kg के जो वो बीन के साथ वो 1 kg का सामान दोनों क्या हो रहे हैं, वहाँ पे बैलेंस हो रहे या नहीं। अगर माने बैलेंस नहीं होता है तो क्या करता है, थोड़ा सा और चावल या आटा डाल देगा जब वो 1 kg का होंगे, या फिर अगर ज़रूरत से ज़्यादा अगर हो जाता है, मानिए 1 kg से अगर ज्यादा हो रहा है, तो वो क्या करता है, कुछ अमाउंट के सब्सटेंस को निकालता है। मतलब बस यही है कि बैलेंसिंग का मतलब है कि जब तक दोनों पल्ले, जैसे कि वहां पे अगर दुकान में जाएंगे दोनों पल्ला उसका अगर एक जैसा नहीं होता, एक लेवल पे नहीं आता, तब तक क्या करते हैं, सामान को वहां पे हम डालते रहते हैं वरना उसको निकालते रहते हैं, जब तक दोनों पल्ले की तरफ सामान क्या नहीं होते, इक्वल वैल्यू के नहीं होते। तो अब भी कहेगा कि जो इक्वेशन बैलेंसिंग का मतलब अगर आता है तो वहां पे से हम सामान को ऐड कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। तो बैलेंसिंग में आपको ऑब्वियसली वो सामान ऐड और निकालने की जरूरत नहीं है, बट जितने भी सारे आपके केमिकल इक्वेशंस होते हैं वहां पे जो नंबर्स ऑफ एटम, मतलब माने केमिकल इक्वेशन में जितने भी नंबर्स ऑफ एटम होते हैं वो नहीं, वही नंबर ऑफ एटम को हम क्या करेंगे, वहां पे ऐड करेंगे या फिर उसे निकाल देंगे, रिमूव करेंगे। जैसे भी हमें क्या करना पड़ेगा फाइनली कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड दोनों का वैल्यू वहां पे क्या करना पड़ेगा, आपको इक्वल करना पड़ेगा, जो आपका क्या करता है बैलेंसिंग इक्वेशन फॉलो करेगा। तो चलिए देखते हैं कैसे वहां पे कौन से स्टेप्स होते हैं या फिर कौन से प्रोसेस की तरफ अगर जाएंगे तो वहां पे जो अनबैलेंस इक्वेशन, जिसको हमने क्या पढ़ा था स्केलेटल इक्वेशन भी बोलते हैं, वही अनबैलेंस और स्केलेटल इक्वेशन को हम क्या करेंगे, बैलेंस इक्वेशन में वहां पे हम कन्वर्ट कर सकते हैं। सो अभी एक देखिए इक्वेशन हमारा आएगा कि पहले अगर एक इक्वेशन लिखा जाता है तो पहले स्टेप 1 क्या होता है देखेंगे। सो स्टेप 1 मानिए कि सपोज आपका एक केमिकल रिएक्शन अभी आएगा कि पहला वहां पे एक एलिमेंट लिया है आयरन, फिर क्या होगा वो वाटर के साथ यहाँ पे रिएक्शन हो गया और यहाँ पे आपका क्या प्रोडक्ट बना, Fe3O4, जो ये आपका एक कॉमन इक्वेशन दिया है कि अभी देखिए अगर केमिकल रिएक्शन ऐसा रिप्रेजेंट किया है इन द फॉर्म ऑफ केमिकल इक्वेशन, और हमने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा होगा आपको याद होगा कि हर एक केमिकल कितने पार्ट होते हैं, 2 पार्ट। ये जो आपका लेफ्ट वाला पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं रिएक्टेंट, और जो राइट वाला पार्ट होता है उसको हम क्या बोले थे, प्रोडक्ट। तो अभी हम देखेंगे कि ये जो इक्वेशन हमारे पास है ये बैलेंस है या नहीं है। आपने अगर लास्ट क्लास ठीक से देखा होगा तो हमको पता है कि हर एक इक्वेशन को अगर उसको पहले हमें जब सॉल्व करने के बाद पहले हमें ये देखना पड़ता है कि वो जो इक्वेशन हमने लिखा है ये बैलेंस है या नहीं। और बैलेंस होने के लिए हम क्या किए थे लास्ट क्लास में, एक टेबल ड्रॉ किए थे और वो टेबल के मदद से हम फाइंड आउट करते थे कि वो जो इक्वेशन है ये बैलेंस होगा या नहीं। सो अभी देखिए ये इक्वेशन बैलेंस है या नहीं जानने के लिए तो पहला स्टेप 1 वहां पे क्या लिखेंगे। सो आपका स्टेप 1 ये है कि ड्रॉ बॉक्सेस अराउंड ईच फॉर्मूला। तो कोई भी इक्वेशन बैलेंस है या नहीं उसका सबसे सिंपल वाला तरीका क्या है, पहला स्टेप कि जितने भी यहाँ पे एलिमेंट्स या कंपाउंड प्रेजेंट है उसको पहले हम बॉक्स में कर देंगे। अभी क्वेश्चन है बॉक्स में क्यों करना है, ताकि आप अगर बॉक्स में करते हैं तो आपको आइडिया रहेगा हाँ ये एक एलिमेंट है, ये दूसरा वाला एलिमेंट है, और ये सभी को मुझे कंपेयर करके, मतलब रिएक्टेंट साइड को प्रोडक्ट साइड के साथ कंपेयर करके हम देखेंगे कि हाँ ये बैलेंस होगा
वहां पे नहीं होगा, क्योंकि दुकान पे भी अगर जाते हैं तो सामान तो वहां पे कंपेयर करके आपको बताएगा ना कि हाँ इसके 1 kg का हुआ इससे नहीं हुआ। तो पहला स्टेप हमने क्या कर दिया कि जितने भी यहाँ पे एलिमेंट्स या कंपाउंड है सबके तरफ हमने क्या कर दी, वहां पे बॉक्सेस ऐड कर दी। तो चलिए देखिए यहाँ पे सबका बॉक्सेस आ गया कि आयरन के पास एक बॉक्स आ गया, वाटर के पास एक बॉक्स आ गया, आपके जो Fe3O4 आयरन ऑक्साइड उसके पास एक बॉक्स आ गया। तो जितने भी एलिमेंट थे सबके पास अभी क्या हो गया, एक एक बॉक्स आ गया। तो इससे आपको आइडिया है कि ये जो रिएक्टेंट है उसमें से 4 ऐसे सब्सटेंस प्रेजेंट है, जहाँ पे रिएक्टेंट की तरफ ऐसे 2 चीज प्रेजेंट है और प्रोडक्ट की तरफ क्या है और एक 2 चीज प्रेजेंट है। ये आपका स्टेप 1 आ गया। फिर हम क्या देखेंगे, स्टेप 2, उसके बाद हम क्या करेंगे। तो ये आप जो बॉक्सेस उसको बना देते हैं, बॉक्सेस यहाँ पे रेडी हो जाने के बाद सेकेंड स्टेप में क्या होगा, अभी हम देखेंगे कि कौन सा वाला एलिमेंट, मानिए ये केमिकल इक्वेशन में कौन सा वाला एलिमेंट कितने नंबर्स के प्रेजेंट है। अभी तो ऐसा नहीं है कि जैसे अभी एग्जांपल छोटा सा बता देती हूँ, मानिए हम आयरन को कंपेयर करेंगे जिसका सिंबल क्या होता है Fe। तो अभी मानिए ये रिएक्टेंट के तरफ आयरन कितने नंबर का आपको दिख रहा है, 1 नंबर का है, बट वही आयरन अगर प्रोडक्ट के साइड देखेंगे तो वो कितना होता है आपका 3 नंबर का। तो वही देखिए, तो अभी तो यहाँ से हम आइडिया गए कि हाँ इक्वेशन तो बैलेंस नहीं है, क्योंकि आयरन जो रिएक्टेंट की तरफ एक ही नंबर का था, प्रोडक्ट की तरफ क्या होता है वो 3 नंबर का है। तो इसकी वजह से अभी क्या करेंगे, ताकि सारे जो एलिमेंट्स ये केमिकल इक्वेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं वहां पे वो कितने नंबर्स के हैं, कितने नंबर्स हम ऐड करना पड़ेगा ताकि वहां पे बैलेंस हो सकता है, उसको अगर आप सभी को ऐसे लंबा करके लिखेंगे तो बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाता है, मतलब आपको ठीक से पता नहीं चलेगा। इसलिए सबसे बेटर क्या है कि वहां पे हम जिसकी छोटा सा टेबल बना देंगे और जो टेबल की मदद से वहां पे क्या होगा उसके जितने भी सारे नंबर्स ऑफ एटम जो अलग अलग एलिमेंट यहाँ पे प्रेजेंट है वो सभी एलिमेंट जितने भी अलग अलग एटम जो वहां पे रहते हैं वो सबको क्या करेंगे, टेबुलर फॉर्म में वहां पे हम अरेंज करेंगे। तो देखिए अभी कैसे वहां पे अरेंज होगा। तो पहले देखिए यहाँ पे हमने रिएक्टेंट की तरफ मतलब कौन सा एलिमेंट है पहले लिखेंगे, जैसे कि ये केमिकल इक्वेशन में स्टेप 1 जैसे कि हमने क्या किया, पहले बॉक्स बना दिया। दूसरे स्टेप में हमने क्या किया कि जितने भी सारे इसके एलिमेंट्स होते हैं वो सभी को उसके एलिमेंट के हिसाब से, मानिए कि यहाँ पे एलिमेंट कौन सा है, ये आयरन आपका एक एलिमेंट है, हाइड्रोजन एक एलिमेंट है, ऑक्सीजन एक एलिमेंट है, कौन से साइड पे, रिएक्टेंट साइड पे, और वैसे ही प्रोडक्ट साइड पे भी क्या मिलेगा, यहाँ पे भी आयरन है। तो जैसे कि हमने पढ़ा कि हर एक जो हमारा केमिकल इक्वेशन होता है वहां पे हमें नंबर्स ऑफ एटम, जैसे कि हमारा सेकेंड स्टेप क्या है कि लिस्ट द नंबर ऑफ एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट। तो अगर मानिए कि यहाँ पे जितने भी सारे एलिमेंट है, जैसे कि यहाँ पे आयरन एक एलिमेंट है, हाइड्रोजन एलिमेंट है, ऑक्सीजन एक एलिमेंट है जो आपके रिएक्टेंट पार्ट में है, उसी तरह से दूसरी तरफ अगर प्रोडक्ट साइड पर अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे भी आयरन एक एलिमेंट है, ऑक्सीजन एक एलिमेंट है और हाइड्रोजन एक एलिमेंट है। तो जो यहाँ पे तीन एलिमेंट इक्वेशन के दोनों तरफ यहाँ पे प्रेजेंट है, तो अभी उसमें कितने नंबर्स ऑफ एटम होते हैं, जो हमारा स्टेप 2 है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए क्या करते हैं, हम एक टेबल का इस्तेमाल करेंगे जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि वो टेबल में हम क्या लिखेंगे कि कौन से एलिमेंट वहाँ पे प्रेजेंट है और वो कितने नंबर्स के वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। तो चलिए अभी जिसकी आपका अगर टेबल यहाँ पे आ जाता है तो वहाँ पे टेबल में हमने एक पार्ट में क्या लिखा है, एलिमेंट, मतलब ये केमिकल इक्वेशन में कौन से एलिमेंट होते हैं उसका हम पहले नाम लिखेंगे। फिर इसके दूसरे हिस्से में क्या आता है कि रिएक्टेंट, मतलब हमारे लेफ्ट हैंड साइड में वो वाला एलिमेंट कितने नंबर्स का है, 1 नंबर का है, 2 नंबर का, जो भी वो नंबर का होगा आपको उसके दूसरे टेबल के वो पार्ट में लिखना पड़ेगा। और फिर लास्ट वाले पार्ट में क्या लिखा गया है कि प्रोडक्ट्स एंड नंबर्स ऑफ एटम, तो यही सारे जो एलिमेंट वहाँ पे कितने नंबर्स के होते हैं प्रोडक्ट साइड पे वो देखने के लिए क्या होता है आपका, ये टेबल का इस्तेमाल होता है। तो अभी हम ये देखेंगे ये जो इक्वेशन हमने लिया है उसको समझने के लिए कि हाँ बैलेंसिंग वहाँ पे कैसे करना है, वहाँ पे कौन सा एलिमेंट कैसे आता है अभी लिखने वाले हैं। तो इक्वेशन की अगर बात करेंगे इसमें हमारा पहला एलिमेंट कौन सा आता है आपका, आयरन। तो आप देख सकते हैं कौन से एलिमेंट अभी आपका आता है कि नंबर्स कैसे पता चलेगा, मतलब वहाँ पे इक्वेशन में आयरन कितने नंबर का है, ऑक्सीजन कितने नंबर का है, कैसे पता करेंगे। तो हर एक एलिमेंट का देखिएगा कि आगे या पीछे वाले साइड में, या फिर ऐसे बोल सकते हैं कि ऐसे पूरा अगर साइड में ऐसे नंबर लिखा होगा या फिर उसके नीचे ऐसे एक नंबर लिखा होता है, तो यहाँ पे आगे या फिर पीछे ऐसा अगर कोई भी नंबर लिखा होता है तो वही नंबर क्या करता है आपको बताता है कि हाँ वो कितने नंबर्स ऑफ आयरन या फिर कितने नंबर ऑफ ऑक्सीजन वहाँ पे प्रेजेंट है। जैसे कि मानिए अगर यहाँ
पे मैंने मैं एग्जांपल लेके बता सकती हूँ, आप बता देती हूँ मैं आपको। जैसे कि मानिए यहाँ पे मैंने आगे यहाँ पे टू लिखा है, मतलब क्या है कि यही जगह पे आयरन के कितने एटम प्रेजेंट है, उसके दो एटम प्रेजेंट है। और उसी हिसाब से अगर मैंने आयरन के यहाँ पे भी अगर मैंने यहाँ पे टू अगर लिख दिया है, यहाँ पे भी अगर मैं टू लिख दूंगी तो उसका भी मतलब क्या है, यहाँ पे भी आयरन का एटम क्या है, दो है। तो यहाँ पे आयरन के कितने एटम होते हैं या फिर कोई भी एलिमेंट के कितने एटम होते हैं वो जानने के लिए क्या करना पड़ता है, आप उसके आगे या फिर पीछे वाले नंबर को देखने से आपको ये आइडिया आ जाएगा कि हाँ वो एलिमेंट वहाँ पे कितने नंबर्स का होता है। तो पहला वाला एलिमेंट हमने लिख लिया है वो क्या है, आयरन। और क्योंकि उसके आगे ना पीछे लेफ्ट हैंड पार्ट में, लेफ्ट हैंड पार्ट में कोई नंबर प्रेजेंट नहीं है, तो यहाँ पे हम कितना लिखेंगे, वो कितना नंबर का है, वन नंबर का है, वन एटम ऑफ आयरन है यहाँ पे रिएक्टेंट साइड पे। उसी हिसाब से आप देखिएगा कि जब हम प्रोडक्ट साइड पे आते हैं, यहाँ पे आप क्या देखेंगे, ये जो आयरन है उसके नीचे यहाँ पे कितना नंबर लिखा गया है, थ्री नंबर लिखा गया है। तो अभी यहाँ पे हमें क्या लिखना पड़ेगा, आपको थ्री लिखना पड़ेगा। तो इससे आपको क्या डाटा मिल रहा है कि जो इक्वेशन है जहाँ पे हम आयरन एलिमेंट को देखेंगे कि रिएक्टेंट की तरह वहाँ पे कितने नंबर्स ऑफ एटम वहाँ पे प्रेजेंट है जो है वन, और प्रोडक्ट की तरह वहाँ पे कितने नंबर्स ऑफ एटम है जो कितना है आपका थ्री। तो उसी तरह से अगर देखेंगे दूसरा वाला एलिमेंट आपका क्या आ जाता है, हाइड्रोजन। क्योंकि हमने पढ़ा था यहाँ पे तीन तीन एलिमेंट है, कौन सा, एक होता है आयरन, दूसरा है हाइड्रोजन और तीसरा होता है ऑक्सीजन। तो जैसे कि हमने आयरन का भी निकाला कि हाँ रिएक्टेंट साइड वो कितने नंबर का है, प्रोडक्ट साइड वहां पे कितने नंबर के होते हैं, उसी हिसाब से जब हाइड्रोजन की बात आता है तो हाइड्रोजन को देखेंगे कि यहां पे रिएक्टेंट साइड जब आता है हाइड्रोजन का नंबर वहां पे कितना लिखा गया है, वहां पे टू लिखा गया है। तो यहाँ पे है एलिमेंट आपका हाइड्रोजन और नंबर्स ऑफ एटम हमने वहाँ पे क्या लिखा है, टू, जो आपको क्या बताएगा कि हाँ रिएक्टेंट की तरफ हाइड्रोजन दो एटम प्रेजेंट है। उसी तरह से जब आप प्रोडक्ट की तरफ आ जाएंगे, प्रोडक्ट साइड पे आ जाएंगे, तो यहाँ पे भी प्रोडक्ट साइड पे आपका नंबर लिखा गया है, और क्योंकि यहाँ पे भी हाइड्रोजन के नीचे टू लिखा गया है तो आप भी यहाँ पे क्या लिखेंगे, टू। तो आगे देखिए आपका दूसरे वाले एलिमेंट का भी आइडिया आ गया कि वो रिएक्टेंट की तरफ कितने नंबर का होता है और प्रोडक्ट की तरफ वहां पे कितने नंबर का है। उसी तरीके से जो लास्ट वाले एलिमेंट है जो आपका क्या है, ऑक्सीजन, अभी हम देखेंगे जो तीसरा वाला एलिमेंट वहां पे ऑक्सीजन प्रेजेंट है वो रिएक्टेंट की तरफ कितने नंबर का होता है और प्रोडक्ट की तरफ। तो देखिए आपने अभी दो किया तो आपको आसानी से पता चल रहा हो कि ये ऑक्सीजन है, ये रिएक्टेंट की तरफ कितना होता है और प्रोडक्ट की तरफ कितना है। तो जैसे कि हमने क्या पढ़ा, क्योंकि यहाँ पे उसके आगे या पीछे, और आप ये मत सोचिए ये जो टू लिखा गया है ये हाइड्रोजन के लिए लिखा गया है, ऑक्सीजन के लिए नहीं है। क्योंकि अगर ऑक्सीजन के लिए होता तो उसका नंबर कहाँ लगा होता, उसके पीछे लगा होता है। तो ये वाला जो ऑक्सीजन, ये आप बहुत बार बच्चे से कंफ्यूज हो जाते हैं, तो कभी भी अगर नंबर्स ऑफ एटम लिखा होता है तो ऐसे वाले कंपाउंड में आप देखिएगा कि ये जो टू है ये क्या बता रहा है, कितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन यहाँ पे है ये आपका बताएगा। क्योंकि ऑक्सीजन के बाद कोई नंबर लिखा नहीं गया है, दैट मीन्स यहाँ पे वो ऑक्सीजन एक ही एटम है, हाइड्रोजन दो है लेकिन ऑक्सीजन एक है। तो इसके हिसाब से क्या पता चल गया हमें कि रिएक्टेंट साइड पे ऑक्सीजन कितने नंबर का आएगा, वहाँ पे वन, और यहाँ पे तो आपको पता ही चल रहा है क्योंकि ऑक्सीजन के पास यहाँ पे चार लिखा गया है तो ये आपका ऑक्सीजन का एटम कितना आता है, फोर। तो देखिए ये चार्ट हमने बनाया क्यों, जैसे कि हमारा सवाल था कि हमें कैसे पता चलेगा कि कोई इक्वेशन वहाँ पे बैलेंस होता है या अनबैलेंस होता है। जैसे कि हमने एग्जांपल क्या लिया था, अगर हम दुकान में जाते हैं तो क्या करना पड़ता है, हमें दोनों पल्लों के जब हम कंपेयर करेंगे तो हमें पता चलेगा कि हाँ कि ये दोनों वहाँ पे सेम हुए हैं या नहीं हुए हैं। उसी तरीके से मानिए कि हमारा एक जो लेफ्ट हैंड साइड का पार्ट था रिएक्टेंट पार्ट को हमने क्या किया यहाँ पे राइट वाले पार्ट से सेपरेट कर दिया कि हाँ लेफ्ट वाले पार्ट में ये एलिमेंट प्रेजेंट है, इतने नंबर्स के प्रेजेंट है, और जब प्रोडक्ट साइड पे आते हैं तो उसी एलिमेंट के कौन से नंबर है। तो यहाँ पे आपको साफ दिखाई दे रहा है, साफ समझ में आ रहा होगा कि ना यहाँ पे आयरन का एटम और आयरन के जो रिएक्टेंट की तरफ जितने भी एटम है वो प्रोडक्ट के साथ सेम नहीं हो रहे हैं, ऑक्सीजन आपका हाइड्रोजन आपका सेम है। और उसी तरह से ऑक्सीजन की अगर बात करेंगे तो रिएक्टेंट की तरफ वो वन है, प्रोडक्ट की तरफ कितना होता है वो फोर। तो इससे हमें क्या पता चल गया कि ये जो इक्वेशन यहाँ पर भी प्रेजेंट है वो बैलेंस नहीं है, वो अभी क्या है, अनबैलेंस इक्वेशन। और हमने आपको बार बार बोल रही हूँ कि अनबैलेंस इक्वेशन को हम वहाँ पे क्या बोलते हैं, स्केलेटन इक्वेशन है बोल के भी बता सकते हैं। तो ये अभी आपका क्या है,
हमें फाइनली पता चल गया कि ये जो इक्वेशन जो हम अभी देखने वाले हैं वो क्या है, अनबैलेंस्ड इक्वेशन है। अब भी नेक्स्ट स्टेप क्या है, जैसे कि हमने पहला हमने क्या किया, फॉर्मूला फाउंड किया, सेकेंड टेबल बना के रेडी रख दिया कि हाँ इतने नंबर्स का होता है। अब भी हम नेक्स्ट स्टेप में ये देखेंगे ये जो इक्वेशन यहाँ पे रेडी है, इक्वेशन जो अनबैलेंस है उसको भी बैलेंस कैसे करेंगे, कैसे उसको दोनों तरफ वहाँ पे इक्वल करेंगे। तो उसी के लिए वापस से हम क्या करेंगे, एक एक एलिमेंट का वहाँ पे जितने भी नंबर्स होते हैं वहाँ पे हमें कुछ नंबर्स को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, एडिंग करना नहीं पड़ता है। बैलेंसिंग के लिए आपको वहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मतलब कितने नंबर्स वहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो वहाँ पे इक्वल वैल्यू आएगा। तो आप ये नहीं सोचिएगा कि अगर हम बढ़ा रहे हैं बैलेंस करने के चाहेंगे हम चीज़ों को ऐड करेंगे, वहाँ पे नंबर्स को हमें मल्टीप्लाई करना पड़ता है, 1, 2 या फिर जितने भी वहाँ पे नंबर्स ऑफ एटम होते हैं उसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो वहाँ पे उसके अकॉर्डिंग हमें बैलेंसिंग इक्वेशन वहाँ पे मिल सकता है। तो चलिए देखते हैं कि वहाँ पे कैसे होगा। तो इसके बाद हमारा जो स्टेप 3 है, क्योंकि अभी तक तो हमने बॉक्स बना दिया, सेकेंड स्टेप हमने क्या पढ़ा, नंबर्स ऑफ एटम बना दिए, अभी थर्ड स्टेप में हम क्या देखेंगे, स्टार्ट बैलेंसिंग द कंपाउंड दैट कंटेन मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम। तो अभी देखिए आपका दो दो कंपाउंड यहाँ पे, एक ये कंपाउंड है, ये कंपाउंड है, ये दोनों अलग अलग एलिमेंट के फॉर्म में है। तो अभी यहाँ पे हमें पहला वाला क्या देखना है जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट है, और आपको पता चल रहा होगा ये सब में मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम आपका कहाँ पे है, Fe3O4 में। तो पहले क्या करेंगे, ये वाला जो सबसे कॉम्प्लिकेटेड या फिर सबसे बड़ा वाला एटम होता है पहले उसको हम बैलेंस करने की कोशिश करेंगे। तो देखिए ये सभी की अगर बात करेंगे सबसे ज्यादा नंबर ऑफ एटम आपका कहाँ पे है, ऑक्सीजन पे है। तो चलिए पहले वहां से बैलेंसिंग करना स्टार्ट करते हैं। तो ये जो आपका कंपाउंड जो हमने किया कि Fe3O4 है जो सबसे बड़ा वाला कंपाउंड अभी यहाँ पे है, वहां पे भी सबसे ज्यादा नंबर का कौन सा है आपका, ऑक्सीजन। तो अभी हम देखेंगे उसको कैसे हमें बैलेंस करना है। तो देखिए यहाँ पे अगर ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे तो वहां पे हमें क्या प्रॉब्लम आता है कि जो दूसरी तरफ अगर लेफ्ट वाले पार्ट की देखेंगे ऑक्सीजन कितने नंबर का है, वहां पे 1 है, बट प्रोडक्ट साइड अगर देखेंगे ऑक्सीजन क्या है आपका, 4 है। तो बैलेंसिंग के लिए हम क्या करना पड़ेगा, हम यहाँ पे तो पहले से प्रोडक्ट की तरफ आपका ऑलरेडी 4 है, तो हम बैलेंसिंग के लिए क्या करेंगे कि ऐसा कौन सा नंबर हमें यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कि जिसकी वजह से इसका भी जो नंबर अभी 1 था अभी वहां पे वो क्या हो जाएगा, वहां पे 4 हो जाएगा, उसको हमें देखना है। तो अभी देखिए क्योंकि हमें ऑक्सीजन को बैलेंस करना है तो पहले हम क्या लिखेंगे कि जो एटम्स ऑफ ऑक्सीजन इनिशियली में स्टार्टिंग में वहां पे कितना था और बाद में वो क्या बना। तो देखिए कि रिएक्टेंट की तरफ इनिशियल मतलब स्टार्टिंग में ऑक्सीजन कितना प्रेजेंट है, 1 in H2O, आपको यहाँ पे पता चल रहा है ये H2O लिखा है और ना ऑक्सीजन के आगे या पीछे कोई नंबर रिप्रेजेंट है। तो क्या पता चलेगा कि वाटर के कंपाउंड में ऑक्सीजन कितने नंबर का है, वहां पे 1 नंबर के है। तो अभी हम देखेंगे प्रोडक्ट साइड पे, प्रोडक्ट साइड पे दिख रहा है आपको यहाँ पे क्योंकि 4 लिखा गया है तो वो ऑक्सीजन कितना होगा यहाँ पे प्रोडक्ट साइड पे, 4। तो यहाँ से ना आइडिया आ गया कि हाँ ये दोनों इम्बैलेंस है क्योंकि रिएक्टेंट की तरफ अभी वो 1 है और प्रोडक्ट की तरफ वो कितना है, अभी 4। अभी आते हैं आपका बैलेंसिंग कैसे करना है। अभी बैलेंसिंग के लिए यहाँ पे जो 4 है और यहाँ पे हम क्या करेंगे कि यहाँ पे भी क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड पे भी वो 4 वहाँ पे हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे 4 करने के लिए बैलेंसिंग के लिए क्या करना पड़ेगा, ये पहले से ही आपका 4 नंबर है तो यहाँ पे तो कुछ बदलने नहीं वाला है, बट अभी जो रिएक्टेंट वाला पार्ट आएगा तो वहाँ आपको एक नंबर वहां पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा जहां पे आपका 4 का वैल्यू आ सकता है। अभी देखिए सबसे और एक बार हम चीज करते हैं, और माने यहां पे 4 है, यहां पे ऑक्सीजन पहले से कितना है, 1 है, तो आप सबको पता है कौन सा नंबर हम अगर मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ तो वहां पे 4 आएगा। तो आप बोलेंगे आप 2 बता सकते हैं या 4 बोलेंगे, आप 2 ही क्यों लेंगे, आप बोलेंगे 4 भी ले सकते हैं, हाँ कुछ भी ले सकते हैं, बट आप क्या क्या होगा कि राइट वाले तरफ जितने नंबर्स ऑफ एटम होते हैं प्रोडक्ट के साथ वहां पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और क्योंकि यहाँ पे 4 है तो हम सबको पता है कि 1 के साथ कौन सा ऐसा डिजिट होता है जो मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आएगा, तो इसका जवाब क्या होगा, 4। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, बिकॉज यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे भी 1 है, तो आपको वापस से बोलूं आपको ऐसा वाला नंबर चूज करना पड़ेगा जिसको आप अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका वैल्यू वहां पे भी सेम आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 4 था और यहाँ पे 1 है तो 1 के साथ में पता है अगर 4 मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, अभी 4 वहां पे ऑक्सीजन हो जाएगा ना। तो अभी क्या हुआ, यहाँ पे
जब हमने यहाँ पे जो वन हाइड्रोजन एटम वन कंपाउंड में वन ऑक्सीजन एटम था, जब उसमें हमने फोर मल्टीप्लाई कर दिया तो वहां पे क्या हुआ कि रिएक्टेंट की तरफ भी ऑक्सीजन नंबर फोर हो गया और प्रोडक्ट की तरफ तो पहले से ही फोर था। तो अभी चलिए यहाँ पे उसके हिसाब से कम चेंजेस करेंगे। तो अभी चेंजेस क्या हुआ, क्योंकि हमने रिएक्टेंट की तरफ भी फोर मल्टीप्लाई कर दिया और प्रोडक्ट की तरफ यहाँ पे फोर हमने मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या हुआ कि बैलेंसिंग की वजह से अभी यहाँ पे फोर वहाँ पे मल्टीप्लाई किए ना, तो ये फोर जो है वो हमें, तो आप बोल सकते ये तो हमने ऑक्सीजन के लिए सिर्फ किया ना, लेकिन वहाँ पे तो हाइड्रोजन का क्या होगा। तो देखिए ये पहले से कंपाउंड के फॉर्म में है। कंपाउंड का मतलब हमने पढ़ा है when two elements are combined and a definite ratio and they basically show a particular characteristic, मतलब अगर कोई भी एक माने कि आप अगर ऑक्सीजन में चेंजेस करना चाहेंगे तो कुछ भी आप मल्टीप्लाई करेंगे तो इवेंचुअली क्या होगा कि ऑक्सीजन के साथ साथ हाइड्रोजन में भी उसमें चेंजेस आने स्टार्ट होंगे। तो कहीं पे भी अगर कंपाउंड की बात आता है तो आप अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लीकेशन का जो वैल्यू होगा वो सिर्फ ऑक्सीजन के लिए नहीं, वो किसके लिए भी होगा, वहाँ पे हाइड्रोजन के लिए होगा, क्योंकि वो कौन से फॉर्म में है, कंपाउंड फॉर्म में है। कंपाउंड हमेशा एट ए टाइम, वहाँ पे दो एलिमेंट हो, तीन एलिमेंट हो, पांच एलिमेंट हो, कितने भी एलिमेंट के हो, सबके सब अगर कुछ भी आप ऐड करेंगे तो वहां पे जितने भी सारे एलिमेंट होते हैं एट ए टाइम वो सेम टाइप के रिएक्शन या सेम टाइप के प्रॉपर्टी शो करेंगे। तो क्योंकि हम यहाँ पे ऑक्सीजन में बदलना चाहते हैं, ऑक्सीजन का नंबर बदलना चाहते हैं, इसकी वजह से हम क्या करना पड़ेगा कि इसके H2O के आगे हमें क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ पे फोर मल्टीप्लाई करेगा, जिसकी वजह से क्या हुआ कि ऑक्सीजन का नंबर तो चेंज हो गया, उसके साथ साथ क्या हुआ आपका हाइड्रोजन का नंबर भी चेंज हो गया। इसमें लिखा गया है फॉर एग्जाम्पल टू बैलेंस ऑक्सीजन एटम वी कैन पुट कोएफिशिएंट 4 एज 4H2O एंड नॉट H2O4 और H2O4। जैसे कि मैं एग्जांपल दे रही थी कि जो भी आपको O को 4 करना पड़ेगा तो आप ना ये इसके पास से 4 लिख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे लिखा गया है, या फिर ब्रैकेट बना के 4 लिख सकते हैं, ये पॉसिबल नहीं है। तो कोई भी नंबर को अगर हमको मल्टीप्लाई करेगा तो उसको क्या करना पड़ेगा, लाइक अ कोएफिशिएंट, कोएफिशिएंट की तरह कहाँ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको, हमेशा उसके स्टार्टिंग वैल्यू पे। और क्योंकि यहाँ पे 4 हम मल्टीप्लाई करने वाले हैं तो आपको 4 कहां लिखना पड़ेगा, लाइक दिस, जैसे कि यहां पे एग्जांपल लिखा गया है, ये जो एलिमेंट था, ठीक है, ये जो एलिमेंट प्रेजेंट था, ये एलिमेंट पे हम क्या करेंगे, वहां पे एलिमेंट के आगे हम क्या मल्टीप्लाई करेंगे, यहां पे आप 4 मल्टीप्लाई करेंगे। ये होता है आपका करेक्ट नोटेशन कि कुछ भी अगर बैलेंसिंग करना है तो नंबर्स हमें कहां लिखना है। और हमें क्या पता चला कि नंबर हमेशा वो कंपाउंड के हमें आगे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जिसके वजह से वहां पे बैलेंसिंग स्टार्ट होगा। तो इसकी वजह से अभी क्या हुआ कि ऑक्सीजन 4 हो गए रिएक्टेंट साइड पे और प्रोडक्ट भी 4 हो गए। लेकिन आपको यहाँ पे एक चीज पता चल रहा होगा कि हमने ऑक्सीजन को तो बैलेंस कर दिया, वो 4 यहाँ पे हो गया, लेकिन इसके वजह से तो हाइड्रोजन बैलेंस हो गया, क्योंकि अभी हाइड्रोजन यहाँ पे कितने नंबर का आ जाता है आपका, 8 नंबर का, बट प्रोडक्ट साइड पे तो अभी वो कितना है, 2 है। तो अभी क्या करेंगे हम, जैसे कि हमने ऑक्सीजन को अभी बैलेंस किया, उसी तरह से वापस से हमें हाइड्रोजन को बैलेंस करना है और फिर उसके बाद आयरन को बैलेंस करना है। तो वैसे ही हमारा सेम स्टेप हम फॉलो करेंगे। तो दूसरे वाले पार्ट में हम देखेंगे, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया, अभी स्टेप के बाद ये आएगा, सो वी कैन नॉट अल्टर द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड ऑफ एलिमेंट्स टू इक्वलाइज द नंबर्स ऑफ एटम। तो आप बोलेंगे कि यहाँ पे तो 4 कर दिए तो 4H2+O, ये तो एक अलग वाला कंपाउंड बन गया। तो कंपाउंड जो होता है उसका कैरेक्टरिस्टिक हमेशा फिक्स रहेगा। एग्जाम्पल ले लिए कि वाटर की हम बात करते हैं, तो जो वाटर है वो मानिए वो सॉलिड स्टेट में होता है, लिक्विड स्टेट में होगा, या फिर गैसियस स्टेट में, वो कोई भी स्टेट में होता है, बट उसका फॉर्मूला H2 जो होता है वो हमेशा सेम होके रहेगा, वो कभी चेंजेस नहीं होने वाला है, क्योंकि हम बोलते हैं कंपाउंड्स एंड मॉलिक्यूल्स आर द स्टेबल फॉर्म ऑफ एलिमेंट, जो हमारे नेचर में क्या करेगा, हमेशा फ्रीली एग्जिस्ट कर सकता है। इसीलिए इवन बैलेंसिंग के टाइम पे भी हम कंपाउंड में दूसरा केमिकल ऐड कर सकते हैं फॉर द केमिकल रिएक्शन पर्पस, बट कभी भी अगर आप कुछ ऐड करते हैं तो वहां पे उसके फॉर्मूला या कंपोजिशन में कभी चेंज नहीं आएगा। माने वो पानी आपके सॉलिड फॉर्म में है तब भी उसका फॉर्मूला H2O रहेगा, लिक्विड फॉर्म में तब भी उसका फॉर्मूला H2O रहेगा, अगर मानिए वो गर्म होके वहाँ पे वाटर वेपर भी बन गया तब भी उसका फॉर्मूला H2O रहेगा। मतलब कोई भी ऐड नंबर हमें ऐड करना है, कौन से स्टेट में होते हैं, तो उसके फॉर्मूला में कोई चेंजेस आएंगे नहीं। इसीलिए हम क्या करेंगे, वहाँ पे जैसा भी वो फॉर्म में होगा उसके नंबर के साथ हमें मल्टीप्लाई वहाँ पे करना पड़ेगा। फिर उसके बाद हमारा आता है
अभी हमने ऑक्सीजन को वहां पे बैलेंस कर दिया, नेक्स्ट वाले स्टेप में हम क्या करेंगे, स्टेप फोर में अभी हमें किसको बैलेंस करना है, हाइड्रोजन। तो आप बोलेंगे हाइड्रोजन को क्यों करना है, आयरन को भी तो कर सकते हैं, जिससे कि हमारा रूल था कि हमेशा क्या करेंगे हम कि ऐसे वाले एटम को बैलेंस करना चाहेंगे जो क्या है मैक्सिमम नंबर का प्रेजेंट है। तो ऑक्सीजन जो सबसे ज्यादा पहले नंबर का था वो तो अभी बैलेंस हो गया, तो अभी दूसरा वाला हाईएस्ट नंबर ऑफ एटम का किसका आता है आपका, हाइड्रोजन, क्योंकि पहले से तो वो दो था लेकिन जब हमने अभी फोर मल्टीप्लाई कर दिया अभी वो कौन से नंबर का हो गया, अभी वो एट नंबर का हो गया। तो अभी आपको बैलेंस किसको पढ़ना पड़ेगा, अभी हाइड्रोजन को। तो वापस से वही वाला टेबल आपको ड्रॉ करना है। तो टेबल में क्या हुआ कि जैसे कि हमने किया है यहाँ पे एटम्स ऑफ हाइड्रोजन लिखेंगे, तो अभी हम बताएंगे कि लेफ्ट हैंड साइड रिएक्टेंट पे कितना है, प्रोडक्ट साइड कितना है, जो आपने पहले से किया हुआ है। जो क्या है कि इनिशियल अगर देखेंगे स्टार्टिंग में क्या है, यहाँ पे आपका क्या है, बिकॉज यहाँ पे फोर हाइड्रोजन के साथ भी मल्टीप्लाई हो गया है, तो अभी का उसका नंबर कितना आ गया आपका, एट आ जाता है। और उसी तरह से अगर देखेंगे प्रोडक्ट साइड पे, प्रोडक्ट साइड पे क्या है, अभी भी वो हाइड्रोजन कितने नंबर का है यहाँ पे, टू। तो हमने रूल क्या पढ़ा था बच्चों कि कोई भी जो हायर नंबर का होता है हमेशा हमें दूसरा जो एक एलिमेंट होगा जो वहां पे कम नंबर का होता है वहां पे हमें क्या करना पड़ेगा, वैल्यू को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि वहां पे बैलेंस हो सकता है। तो अभी देखिए यहाँ पे तो एट है, उसको कुछ आपको चेंजेस करने की जरूरत नहीं है। तो आप मुझे मुझे कुछ बता सकता है कि यहाँ पे जो हाइड्रोजन होगा वहां पे क्या मल्टीप्लाई करेगा, तो क्या हमें वहां पे टू मल्टीप्लाई करना चाहिए या थ्री मल्टीप्लाई करना चाहिए या फिर फोर मल्टीप्लाई करना चाहिए। तो आप सबको पता है कि कौन सा वाला नंबर, टू थ्री और फोर में से कौन सा वाला नंबर अगर यहाँ पे टू के साथ मल्टीप्लाई हुआ, क्योंकि दूसरी तरफ हाइड्रोजन कितना नंबर का है, टू नंबर का है, तो जिससे कि यहाँ पे वैल्यू तो एट ही रहेगा। तो अभी आपका सवाल ये आता है कि कौन सा नंबर अगर हम टू के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो अभी हमारा वैल्यू वहां पे क्या आएगा, एट। तो हमें क्या पता चला कि टू थ्री और फोर, क्योंकि कभी भी आपको बड़ा वाला नंबर हम कभी डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते हैं, तो पहले आपको छोटे से नंबर्स लेके वन टू थ्री फोर ऐसे नंबर्स पहले आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा ताकि बैलेंसिंग के लिए। और हमें पता है कि अगर टू है तो वहां पर हमें कौन सा नंबर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फोर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब भी जाके इस तरफ क्या होगा, हाइड्रोजन का वैल्यू वहां पे एट होगा। तो देखिए वहां पे क्या हुआ, क्योंकि यहाँ पे अभी लेफ्ट साइड पे रिएक्टेंट पे वो एट है, प्रोडक्ट साइड पे भी हमें एट करना पड़ेगा। तो बैलेंस के लिए क्या करेंगे, रिएक्टेंट की तरफ तो सेम ही है, वहां पे कोई चेंजेस आपको करने नहीं पड़ेंगे, पर प्रोडक्ट साइड क्योंकि मुझे वहां पे एट बनाना है तो मुझे वहां पे क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ पे फोर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो फोर मल्टीप्लाई करने से क्या हुआ, देखिए कि जैसे कि यहाँ पे हाइड्रोजन अभी एट पहले था, क्योंकि मैंने यहाँ पे पहले से फोर मल्टीप्लाई कर दिया है, तो इस तरह भी हाइड्रोजन का वैल्यू अभी क्या हो गया, यहाँ पे एट हो गया। तो देखिए उसमें इक्वेशन में क्या क्या चेंजेस आ गए, तो इस तरफ जैसे कि एट हुआ वहां पे प्रोडक्ट तरफ भी एट हो गया, तो वहां पे अभी हमने क्या कर दिया, उसके आगे क्या कर दिया, अभी फोर मल्टीप्लाई कर दिया। मानिए अभी देखिए क्या है, ऑक्सीजन इस तरफ फोर है, इस तरफ भी ऑक्सीजन का वैल्यू कितना है आपका, फोर ही है। अभी जैसे कि यहाँ पे हाइड्रोजन एट है, उस तरफ भी अभी भी हाइड्रोजन यहाँ पे कितना हो गया आपका, एट हो गया है। तो मानिए कि यहाँ पे तीन एलिमेंट जो थे उसमें से आयरन, और हमने क्या किया है, आयरन अकेला को छोड़ के हमने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों को अभी हमने क्या कर दिया, उसको बैलेंस कर दिया है इस टेबल की मदद से। अभी उसी तरीके से नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में बिकॉज यहाँ पे ऑलरेडी ऑक्सीजन बैलेंस हो गया, हाइड्रोजन बैलेंस हो गया, तो अभी जो हमारा जो पार्टली अनबैलेंस इक्वेशन है, मतलब जो एक ही एलिमेंट है जो अभी तक बैलेंस नहीं हुआ है, उसको भी बैलेंस करना पड़ेगा। जो एलिमेंट आपका कौन सा है, आयरन, क्योंकि अभी देख सकते हैं हमने क्या किया कि हाइड्रोजन बैलेंस हो गया, ऑक्सीजन बैलेंस हो गया, इस तरह भी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों बैलेंस हो गए, तो बचा कौन अभी, बस एक एलिमेंट आयरन। तो अभी हम वैसे ही मैनर में देखेंगे कि आयरन को कैसे हमें वहां पे बैलेंस करना है। तो अभी देखिए आयरन की तो बात करेंगे, रिएक्टेंट साइड पे जब था, क्योंकि उसके आगे या पीछे कोई नंबर क्योंकि मेंशन नहीं हुआ है, तो आयरन कितना नंबर का आता है आपके रिएक्टेंट साइड पे, वन नंबर का आता है। और उसी तरीके से अगर हम प्रोडक्ट साइड की बात करेंगे तो आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पे जो प्रोडक्ट की तरफ जो कंपाउंड है आयरन, उसके नीचे क्या लिखा गया आपका, थ्री लिखा गया है। उसका मतलब क्या है कि प्रोडक्ट साइड की जब बात आएगा तो वहां पे आयरन कितने नंबर का होता है, थ्री नंबर के। कौन से कंपाउंड में, Fe3O4 जो आपका फेरिक ऑक्साइड का कंपाउंड होता है, वहां पे क्या है कि वो आयरन कितने नंबर का है, थ्री नंबर। तो आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि हमने
मैंने दो पहले से बैलेंस किए हैं, तो क्योंकि मुझे यहाँ पे आयरन को वापस से क्या करना पड़ेगा, थ्री करना पड़ेगा। क्यों? बिकॉज प्रोडक्ट साइड भी तो वो थ्री ही है ना। तो अभी हम क्या करेंगे, बिकॉज प्रोडक्ट साइड आयरन वहां पे थ्री है, तो वहां पे हम क्या करेंगे, बैलेंस करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा कि इस यहाँ पे मुझे क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, अभी थ्री, क्योंकि इस तरफ थ्री है, मुझे आयरन को यहाँ पे बैलेंस करने के लिए हमें क्या मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे थ्री। तो अभी देखिए कि वहां पे पहले वन था, और हम अगर थ्री मल्टीप्लाई करेंगे और दो इस तरफ आयरन के जितने नंबर्स ऑफ एटम हुए वो रिएक्टेंट साइड में वहां पे क्या होंगे, सेम हो जाएंगे। तो देखिए अभी यहाँ पे क्या होगा कि जैसे कि हमने प्रोडक्ट तरफ यहाँ पे तीन थे और रिएक्टेंट के तरफ वन था, तो यहाँ पे हम अभी क्या कहें कि कौन सा नंबर ऐसा मल्टीप्लाई करेंगे कि यहाँ पे भी उसका वैल्यू क्या होगा, थ्री। तो हमें पता है कि कोई भी नंबर अगर वन के साथ मल्टीप्लाई होता है हमें सेम नंबर मिलने वाला है, तो क्योंकि मुझे वहाँ पे थ्री करना है तो मैंने क्या किया, अभी वन के साथ थ्री मल्टीप्लाई कर दिया, जिसके वजह से इक्वेशन क्या चेंजेस हुए, क्योंकि यहाँ पे तीन मल्टीप्लाई कर दिया, तो आप देख सकते हैं कि इस तरफ आयरन थ्री है, अभी इस तरफ भी आयरन थ्री ही है। हाइड्रोजन देखिए अभी कितना हुआ है बच्चों, एट हुआ है, इस तरफ भी हाइड्रोजन कितना हो गया आपका, एट। और जैसे कि ऑक्सीजन इन दोनों के मिलने की वजह से अभी फोर हो गया, अभी भी ऑक्सीजन इधर क्या है आपका, फोर हो गया। मतलब अभी ये आयरन के बैलेंसिंग के बाद आपके पास जो इक्वेशन रेडी है, वो जो इक्वेशन रेडी है वो क्या है आपका, एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन, जिससे क्या है कि नंबर्स ऑफ एटम जो हमारे रिएक्टेंट के तरफ प्रेजेंट थे वो क्या हो गया, अभी प्रोडक्ट की तरफ पूरे अच्छी तरह से बैलेंस हो गया, जो हमने काउंट करके भी देख लिया। लेकिन यहाँ पे भी आपका बैलेंसिंग खत्म नहीं होता है, मतलब ये नहीं है कि सब अगर हम नंबर्स का लिख देंगे तो वहां पे आपका बैलेंसिंग हो जाता है। उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा कि जब हमने ये बना के रेडी कर दिया कि हाँ मुझे अभी पता चल गया कि हाँ लेफ्ट की तरफ क्या मल्टीप्लाई करके, राइट की तरफ क्या मल्टीप्लाई करके मुझे इक्वेशन बैलेंस करना है, बट उसके बाद भी इक्वेशन को मोर इन्फॉर्मेटिव, मतलब इक्वेशन को और अच्छी तरह से एक्सप्लेन करने के लिए वहां पर हम क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, दिस मेथड ऑफ बैलेंसिंग, तो मतलब ये तो हम करेंगे ही, बट ये जो बैलेंसिंग का मेथड होता है जिससे हम क्या करेंगे अलग अलग नंबर्स को मल्टीप्लाई करके उसको हम चेक करेंगे कि हाँ ये बैलेंस हुआ या नहीं, वो वाले मेथड को क्या बोलेंगे आपका, हीट एंड ट्रायल मेथड। हीट एंड ट्रायल दैट मीन्स पहले नंबर को पुट करेंगे, देन हम ट्राई करेंगे कि हाँ ये बैलेंस होगा या नहीं, जिसके वजह से हमें फाइनली क्या होगा एट द एंड एक केमिकल इक्वेशन मिलेगा जो क्या होता है वहां पे बैलेंसिंग स्टेट में होगा। तो अभी तो हमने इक्वेशन को बैलेंस कर दिया, नंबर्स ऑफ एटम रिएक्टेंट की तरफ जितने थे प्रोडक्ट की तरफ वहां पे सेम होंगे। नेक्स्ट वाले हम स्टेप में देखेंगे, नेक्स्ट स्टेप आपका क्या बता रहा है, उसके जो क्या बताना पड़ेगा हमें, द फिजिकल स्टेट ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, मतलब ये जो हमने केमिकल यहाँ पे इक्वेशन लिए गए थे, केमिकल इक्वेशन को हमने रिप्रेजेंट किया था, वहां पे जो आयरन है आपका या फिर जो वहाँ पे वाटर है, जो भी कंपाउंड वहाँ पे फॉर्मेशन हुए रिएक्शन के टाइम पे, तो वहाँ पे वो जो उसके स्टेट क्या है, फिजिकल स्टेट मतलब या फिर वो सॉलिड स्टेट में रहते हैं, लिक्विड स्टेट में रहते हैं, या फिर वो वहाँ पे क्या गैसियस स्टेट में रहेंगे। सो देखिए अगर यहाँ पे इक्वेशन अगर आ जाता है तो अब ये कि गैसियस स्टेट में है तो वहाँ पे हम गैस नहीं लिख सकते, लिक्विड में होगा तो पूरा लिक्विड नहीं लिख सकते, तो क्योंकि केमिकल इक्वेशन का ही मतलब होता है कि एक केमिकल चेंज को हम शॉर्टली मतलब छोटे नंबर में छोटे तरीके से रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, तो उसी हिसाब से अगर कोई भी रिएक्टेंट अगर आपका सॉलिड स्टेट में होता है तो वहाँ पर हमें क्या लिखना पड़ेगा, वहाँ पर एस। अगर वो गैसियस स्टेट में होगा तो वहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा जी। अगर वो लिक्विड स्टेट में होता है तो आपको क्या लिखना पड़ेगा वहां पे L, बट आपको दिख रहा है वहां पे एक लिखा गया है AQ लिखा है, तो AQ का मतलब है, तो AQ का जनरली मतलब होता है आपका एक्वस। एक्वस का मतलब है अगर कोई भी सब्सटेंस पानी के साथ डिसॉल्व फॉर्म में पानी के साथ मिलकर अगर होता है तो उसको जनरली हम बोलते हैं एक्वस, और एक्वस सॉल्यूशन बोलते हैं। तो कहीं पे भी अगर वहां पे आपको AQ लिखा हुआ दिखा या फिर AQ लिखा होता है तो उसका मतलब है कि वो जो कंपाउंड वहां पे प्रेजेंट है वो क्या है सॉलिड स्टेट में नहीं है, वो क्या है वो कंपाउंड जो है पानी जो वहां पे प्रेजेंट होगा उसके साथ वो डिसॉल्व फॉर्म मतलब उसके साथ वो मिलके होता है, और जिस जहां पे वो मिलके ऐसे होता है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम कौन सा वाला वर्ड का यूज करते हैं वहां पे AQ, इसका मतलब होता है एक्वस। तो चलिए जो हमने एग्जाम्पल किया था वहां पे देखते हैं कि वहां पे हमें क्या क्या लिखना पड़ेगा। तो ये जो आपका केमिकल इक्वेशन अगर हो जाता है, क्योंकि अगर हम GL AQ या फिर S लिख के उसकी इक्वेशन को अगर
कंपेरिजन करना चाहेंगे तो अभी देखेंगे बैलेंस इक्वेशन जो हमने बैलेंस किया था अभी उसमें क्या क्या बदलाव आ जाएगा। सो अभी देखिए क्या है, जो हमने आयरन को बैलेंस वहां पे किया था बाहर थ्री मल्टीप्लाई करके, अभी हमने क्या लिखा वो कौन से स्टेट में आ गया, अभी एस मतलब कौन से स्टेट में था पहले, वो सॉलिड स्टेट में था। फिर जब वो पानी के साथ होता है तो ये जो पानी है ये लिक्विड फॉर्म में नहीं है। आपको नॉर्मली हम बोलते हैं कि पानी तो लिक्विड फॉर्म में होते हैं, हाँ, लेकिन हमें पता है कि पानी के थ्री डिफरेंट फॉर्म में भी है, वो सॉलिड फॉर्म में भी रह सकता है, लिक्विड फॉर्म में भी रह सकता है और इवन गैसियस फॉर्म में रह सकता है। तो यहाँ पे इक्वेशन के लिए हमने जो लिया है वाटर वो कौन से स्टेट में अभी प्रेजेंट है, आपके गैसियस स्टेट में प्रेजेंट है। उसके बाद जब वो रिएक्शन हुआ हमें वहां पे क्या मिले, दो अलग अलग चीजें मिले, एक है आपका Fe3O4 और एक क्या मिल गया, हाइड्रोजन। तो आफ्टर द केमिकल रिएक्शन ये जो Fe3O4 यहाँ पे बना वो कौन से फॉर्म में बना, आपके सॉलिड फॉर्म में, इसलिए हमने यहाँ पे क्या लिख दिया है वहां पे S। और उसके साथ साथ जो यहाँ पे हाइड्रोजन गैस यहाँ पे मिल गया वो अभी कौन से फॉर्म में आ गया, आपके जी फॉर्म में, मतलब कौन से स्टेट में, गैसियस फॉर्म में। तो इक्वेशन को बैलेंस करने के बाद नेक्स्ट स्टेप हमने क्या पढ़ा कि हर एक जो केमिकल सब्सटेंस जो इक्वेशन में पार्ट लिए थे, मानिए वो रिएक्टेंट की तरफ हो या फिर प्रोडक्ट की तरफ हो, हमें क्या करना पड़ेगा, वो सबका आपको स्टेट लिखना पड़ेगा, जिससे क्या होता है केमिकल इक्वेशन और थोड़ा इंफॉर्मेटिव होता है, जहाँ पे उसके स्टेट के बारे में हमें आइडिया आ जाएगा। बट इसके बाद भी आपका इक्वेशन लिखना खत्म नहीं हुआ है, मतलब स्टेट लिखते हैं तो वहाँ पे तो हमें पता चलेगा कि हाँ ये सॉलिड स्टेट में था जो बाद में माने कि लिक्विड में बन गया या फिर वैसा ही सॉलिड रहा या फिर गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। बट इतना इक्वेशन लिखने के बाद आपका नेक्स्ट स्टेप में क्या आएगा कि इक्वेशन जब लिखते हैं आपका लास्ट वाला आखिरी स्टेप यह आता है कि वहां पर जो केमिकल रिएक्शन होता है, हमें पता है केमिकल रिएक्शन कभी ऑटोमेटिकली होंगे नहीं या फिर नेचर में कुछ चेंज हुआ इसके वजह से वहां पे केमिकल रिएक्शन होते हैं, तो कुछ कुछ केमिकल रिएक्शन हमें हीट देके करना पड़ता है, कहीं कहीं पे टेम्परेचर वहां पे प्रेशर देने के बाद ही वहां पे चेंजेस होंगे। इसलिए आपका लास्ट स्टेप यह आएगा कि समटाइम द रिएक्शन कंडीशन सच एज टेम्परेचर प्रेशर कैटलिस्ट फॉर द रिएक्शंस आर इन्वॉल्व्ड एंड अबव बिलो द एरो इन द इक्वेशन। तो कोई भी अगर हम केमिकल इक्वेशन लिखते हैं तो वो केमिकल इक्वेशन कौन से कंडीशन में हुआ है, दैट मीन्स वहाँ पर टेम्परेचर देना पड़ा, प्रेशर देना पड़ा या फिर कोई कैटलिस्ट को देना पड़ा जिसकी वजह से केमिकल रिएक्शन हुआ, वो क्या करेंगे, वो हमें वो एरो जो होता है जो केमिकल इक्वेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम जो एरो का इस्तेमाल करते हैं, ये एरो के ऊपर या फिर उसके नीचे हमें वहाँ पर रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, जिसकी वजह से हमें उसकी कंडीशन को मेंशन करना पड़ता है। और ये कुछ रूल्स होते हैं जो हर एक बार आपको केमिकल इक्वेशन लिखते वक्त आपको जैसे भी ध्यान में रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपने कंडीशन नहीं लिखा है तो इक्वेशन को वो रॉन्ग माना जाता है, क्योंकि केमिकल रिएक्शंस आर ओनली पॉसिबल व्हेन सर्टेन प्रेशर और टेम्परेचर आर प्रोवाइडेड। तो वहां पे अगर कहीं पे भी अगर कंडीशन लिखा होता है आपको डेफिनेटली वो एरो मार्क के ऊपर लिखना ही पड़ेगा। तो अभी देखिए एग्जांपल लेते हैं हम, मान लीजिए कि हमारे पास अभी कार्बन मोनोक्साइड गैस है जिसका फॉर्मूला हमने क्या लिखा है CO, जो कौन से स्टेट में है, अभी जी लिखा है मतलब कौन से स्टेट। तो जैसे कि अभी मैं एग्जांपल देखूंगी कि ये जो कंडीशन लिखना होता है वहां पे हम कैसे वहां पे मेंशन कर सकते हैं, तो यहाँ पे हम एग्जांपल लेते हैं कि मानिए हमारा जो एग्जांपल आता है कि कार्बन मोनोक्साइड गैस है वहां पे, जो कार्बन मोनोक्साइड को हमने जी लिखा है वो क्या करेगा, अभी वापस से हाइड्रोजन के साथ क्या हो गया, केमिकल रिएक्शन हो गया। तो ये तो हमें पढ़ा है कि हाँ वहां पे रिएक्टेंट दोनों वहां पे लिख दिए, और क्योंकि जी लिखा है उसका मतलब है कार्बन मोनोक्साइड गैसियस फॉर्म में प्रेजेंट है, और जो यहाँ पे हाइड्रोजन है वो भी अभी कहाँ पे प्रेजेंट हो गया, आपके गैसियस स्टेट में। और आप देख सकते हैं पहले से यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई हो गया, मतलब इक्वेशन पहले से हमने क्या कर दिया, उसको बैलेंस कर दिया है। तो अभी हम देखेंगे ये जो कार्बन मोनोक्साइड गैस क्या कर रहा है, हाइड्रोजन गैस के साथ वहां पे रिएक्शन होगा। सो रिएक्शन कैसे हो सकता है, आप बोलेंगे दोनों को ऐड कर दो बन जाएगा, लेकिन ऐसा होगा नहीं क्योंकि दोनों गैसेस के फॉर्म में होते हैं, तो वहां पे नॉर्मल हमारे कंडीशन में वो कभी एक दूसरे के साथ रिएक्शन नहीं कर पाएंगे। तो वहां पे हमें क्या करना पड़ेगा, जो एरो मार्क देते हैं वो एरो के ऊपर हमने क्या लिखा है वहां पे 340 ATM। तो अभी आता है ये 340 ATM क्या है, तो ATM का मतलब होता है आपका वो ATM जो हम यूज करते हैं पैसे निकालने के लिए, वो ATM नहीं होता, यहाँ पे ATM का मतलब है आपका एटमॉस्फेरिक
प्रेशर, दैट मीन्स हमारा जो एटमोसफियर होता है उसके जो एयर विंड वैल्यू या फिर बोलेंगे टेम्परेचर प्रेसिपिटेट, वो सारे मिलके जो हमारे नेचर में उसको प्रोवाइड करते हैं फोर्स को या फिर प्रेशर को, उसको बोलते हैं एटमोसफियर प्रेशर। तो यहाँ पे क्या हुआ, जो आपका कार्बन मोनोऑक्साइड गैस है वो हाइड्रोजन के साथ मिला। कैसे मिला, जब हमने 340 एटमोसफियर प्रेशर मतलब हाई प्रेशर हमने दिया तभी देखिए क्या हुआ, ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस हाइड्रोजन के साथ मिलके यहाँ पे क्या फॉर्मेशन हो गया, CH2OH, जिसका नाम होता है आपका मिथानॉल। तो यहाँ पे क्या हुआ कि कार्बन मोनोऑक्साइड गैस जब हाइड्रोजन के साथ मिला आपका क्या फॉर्मेशन हुआ, मिथानॉल, जो कैसे बना आपका 340 एटीएम प्रेशर की वजह से। तो वैसे ही कोई भी अगर आप केमिकल रिएक्शन लिखते हैं वहाँ पे वो कितना प्रेशर में वहाँ पे काम हुआ, कितने टेम्परेचर की वजह से हुआ या फिर कौन से कैटलिस्ट की वजह से हुआ, वैसे ही सारा इन्फॉर्मेशन आपको कहाँ लिखना पड़ेगा, हमेशा ये एरोमार्क के ऊपर लिखना पड़ेगा, जिससे वो इक्वेशन और भी ज़्यादा वहाँ पे इन्फॉर्मेटिव हो जाता है। वैसे ही आपका देखिएगा, और एक एग्जाम्पल हम लेते हैं, जैसे कि ये तो हमने देखा कि हाँ प्रेशर की वजह से हुआ, तो वैसे ही अगर मानिए टेम्परेचर की वजह हो रहा है या फिर कोई कैटलिस्ट की वजह से हो रहा है, उसका और एक हम एग्जांपल लेके देखते हैं, जो एक नॉर्मली हमने देखा हर प्लांट बॉडी में होता है, जिसके बारे में हमने पहले से ही पढ़ा है, जो कौन सा आपका इक्वेशन होता है, फोटोसिंथेसिस का। तो देखिए अभी क्या हुआ कि जो कार्बन डाइऑक्साइड यहां पे हम लिए हैं वो कौन से स्टेट में है, एक्यू। एक्यू का मतलब हमने क्या पढ़ा वहां पे, एक्वस, मतलब वो पानी के साथ डिसॉल्व फॉर्म में प्रेजेंट हुए, और वही एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जब क्या करता है, पानी के साथ जो 12 मॉलिक्यूल वाटर जो लिक्विड स्टेट में प्रेजेंट है, फोटोसिंथेसिस का इक्वेशन है बच्चों, तो वहां पे 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो एक्वस स्टेट में प्रेजेंट है किसके साथ, पानी के साथ जो लिक्विड फॉर्म में वहां पे दोनों जो मिल गए किसके प्रेजेंस में मिलते हैं, सनलाइट, बिकॉज नाम ही हमने पढ़ा है फोटोसिंथेसिस, और फोटो का मतलब क्या होता है, लाइट। तो यहां पे जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस जब एक्वस फॉर्म में था और वहां पे वो 12 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर जो लिक्विड फॉर्म में उसके साथ रिएक्शन कर रहा है किसके प्रेजेंस में, सनलाइट के प्रेजेंस में, तो वहां पे आपको क्या मिलेगा, उसके साथ साथ जो ये सनलाइट को ऑब्जर्व करने के लिए, सनलाइट को इस्तेमाल करने के लिए वहाँ पे हमने पढ़ा है कि लीफ में एक पिगमेंट होता है, नाम क्या होता है उसका, क्लोरोफिल पिगमेंट, जो क्या करेगा लीफ को ग्रीन कलर प्रोवाइड भी करता है, वो क्या करेगा ये सनलाइट को वहाँ पे ऑब्जर्व करके रख देगा, जिसकी वजह से क्या हुआ आपका ये फॉर्मूला बना, ये कंपाउंड फॉर्मेशन हुआ जिसको हम क्या बोलते हैं, ग्लूकोज। फॉर्मूला क्या है, C6H12O6, और वो भी कौन से फॉर्म में बनेगा, सॉलिड फॉर्म में नहीं बनेगा, कौन से फॉर्म में बनेगा, यहाँ पे लिखा गया है AQ, मतलब एक्वस फॉर्म में वहाँ पे बनेगा, और उसके साथ साथ आपको क्या निकलता है वहाँ पे, ऑक्सीजन गैस, और वहाँ पे क्या निकलेगा आपका, वाटर। तो ये भी एग्जाम्पल है जहाँ पे हम देख सकते हैं वहाँ पे हमने क्या किया कि एरो के ऊपर हमने उसे कंडीशन लिखे, कहाँ पे हमें सनलाइट देना पड़ा, कहाँ पे हम उसको क्लोरोफिल के प्रेजेंस देना पड़ा, और यहाँ पे जो भी सारे सब्सटेंस यहाँ पे बनते गए वहाँ पे वो कौन से स्टेट में प्रेजेंट थे। तो कभी भी इक्वेशन को जब हम ऐसे लिखते हैं तो वो इक्वेशन क्या होता है आपका, बैलेंस भी हो जाता है और उसके साथ साथ वो क्या होता है?